अध्याय 18। पांडवों में और निराश व पराजित प्रतियोगियों में झगड़े को देखकर कृष्ण और बलराम मन ही मन हंसने लगे और अर्जुन की सफल प्रचेष्टा की सराहना की। तुम्हारे पितामहों को पता नहीं था कि वे कौन हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था। परंतु जब पांडवगण नौ विवाहित वधु द्रुपद की पुत्री को लेकर अपनी कुटिया में पहुंचे और धर्मराज अत्यंत उत्साहित होकर घटनाओं का वर्णन करने लगे, तो बलराम और कृष्ण ने पीतांबर वस्त्र धारण करके अत्यंत सुंदरता के साथ उस कुटिया में प्रवेश किया। वे माता कुंती के पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, बुआ जी, हम तुम्हारे भतीजे हैं, हम नंद व यशोदा के पुत्र हैं। पुनः उन्होंने धर्मराज को भी प्रणाम किया। कृष्ण ने तब अर्जुन को अलग ले जाकर मधुरता से स्नेह पूर्वक कहा, मैं तुम्हें जानता हूं, परंतु तुम मुझे नहीं जानते। मैं तुम्हें सर्वप्रथम देख रहा हूं। मैं वासुदेव का पुत्र हूं और मेरा नाम श्री कृष्ण है। मैं तुमसे छोटा हूं। जब तुमने राज्यसभा में विजय पाई तो मैंने पहचान लिया था कि तुम पांडव भाइयों में से ही हो। मैं यह भी समझ गया था कि तुम लाख के घर से बच निकले हो, जबकि उसमें आग लगाई गई थी। जैसे ही मेरी आंखें उन प्रतियोगियों के बीच पड़ी तो मैंने समझ लिया कि तुम अर्जुन हो, और मैंने अपने भाई से ऐसा ही कहा था। यह मेरा भाई बलराम है। मैं अत्यंत आनंदित हूं कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, और मेरे भाई को भी इसकी खुशी है। आखिर मैं तुमसे मिल ही गया। यह वधु बुद्धि और गुणों से संपन्न है। यह कहते हुए कृष्ण अर्जुन को कुछ दूर ले गए और धीरे से कहा, भाई, यह उचित नहीं है कि तुम सब इतनी शीघ्रता से बाहर निकल आओ। कुछ समय और इस नकली भेष में अलग अलग स्थानों में रहो। तब वे बुआ तथा औरों से विदा लेकर बड़े भाई बलराम के साथ चले गए। उसी दिन से अर्जुन और कृष्ण के बीच स्नेह बढ़ने लगा। यह स्नेह उस विशाल वृक्ष के रूप में बढ़ गया जिसमें स्नेह रूपी मधुर फल उगने लगे और सब ने उनका रसा स्वादन किया। उसी मधुरता में सबका मन मिलकर एक हो गया। याद करो, सर्वप्रथम तुम्हारे पिता मैंने द्रौपदी के विवाह सभा कल्याण मंडप में भी श्री कृष्ण को देखा था। इसका महत्व यह था कि दोनों वर्षों तक स्नेह व दृढ़ मित्रता के बंधन में बंध गए थे। इसको बना रखने के लिए कृष्ण ने उन्हें सर्वोत्तम ज्ञान की शिक्षा दी। क्या तुमने ख्याल किया कि उन दोनों में कितना प्रेम था? यह प्रश्न करते हुए व्यास जी उठे और अपना सामान इकट्ठा करके चलने को उद्यत हुए। इसे देखकर परीक्षित अत्यंत विनम्रता से आनंद के आंसू पोंछते हुए बोले, स्वामी, आपने भगवान की लीलाओं और दान का वर्णन करके मेरे समक्ष उन्हें स्पष्ट कर दिया है। कृपया मुझे उन अवसरों के विषय में कुछ और बताइए जबकि उन्होंने मेरे पितामहों पर करुणा दिखाई। वे कैसे उनके साथ घूमते फिरते थे और कैसे उन्हें विपत्ति से बचाते थे? मेरी आंखों से नींद जा रही है और मैं भगवान की कथा सुनने के लिए व्याकुल हूं। इस रात्रि को भगवान की गौरव गाथा सुनाकर इसे पवित्र बनाएंगे। इसी से मुझे संतोष मिलेगा। मुझे उनके चिंतन में रात्रि बिताने दीजिए। आपके मौन से मुझे अत्यंत कष्ट हो रहा है। व्यास जी ने परीक्षित की एकाग्रता और भक्ति को देखकर अपना विचार पलट दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, यदि कृष्ण की लीलाएं कोई एक या दो होती तो मैं तुमको बता देता। यदि किसी के करोड़ों मुंह होते
और उसके सामने अनंत समय रहता तो भी उस ईश्वर के वर्णनों का अंत न होता। समस्त देवगण उनके सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़े थे। कभी तो वह अपने भक्तों को आकाश के समान ऊपर चढ़ा देते थे और कभी एकदम नीचे गिरा देते थे। विश्व को उन्होंने कठपुतली का खेल बना दिया था। सर्वदा उनके मुख पर मुस्कान रहती थी। उनको व्यस्तता, निराशा और दुख तो मालूम ही नहीं था। कभी तो वह एक निर्मल शिशु के सदृश, कभी अपने अत्यंत परिचित संबंधी की तरह और कभी अत्यंत प्रभावशाली सम्राट की तरह व्यवहार करते थे। कभी कभी वह सरल ग्वाल बाल के सदृश भी व्यवहार करते थे। उनमें कोई भी रूप धारण करने की अद्भुत क्षमता थी। तुम्हारे पितामह अर्जुन से वह विशेष रूप से स्नेह करते थे। वह उन्हें प्रत्येक अवसर व स्थान पर साथ ले जाते थे। अर्जुन तो भगवान के प्रासाद के भीतर भी स्वाधीनता से आ जा सकते थे। भगवान अर्जुन के साथ यमुना के पानी में भी खेलते थे। उन्हें धोखा देने के लिए किसी एक स्थान पर जल में डुबकी लगाकर अन्यत्र निकलते थे और उन्हें भी यही करने को कहते थे। साथ में ऐसे ऐसे खेल खेलते थे जो वर्णनातीत थे। कभी कभी तो अर्जुन को अचानक निर्जन स्थान में ले जाकर किसी रहस्य को बताते थे और कभी रेशमी बिस्तर का त्याग कर अर्जुन की गोद में माथा रखकर सो जाते थे। तुम्हारे पिता महने भी उनसे उसी प्रकार स्नेह और प्रेम किया है। कभी तो ऐसा प्रतीत होता था कि आपस में वे दोनों अत्यंत क्रोधित हैं, उसी प्रकार बात भी करते थे, परंतु शीघ्र ही मना लेते थे और बंधुत्व लौट आता था। मेरे पुत्र, यह कहा जा सकता है कि वे शरीर और प्राण की भांति नर और नारायण थे। अर्जुन के बिना कृष्ण नहीं थे और कृष्ण के बिना अर्जुन नहीं थे। ऐसी कोई बात नहीं थी जो अर्जुन कृष्ण से ना कहें या कृष्ण अर्जुन से ना कहें। अब कौन सी घटना मैं तुम्हें बताऊं? किसी भी घटना के विषय में तुम प्रश्न करो और मैं प्रसन्नता से उत्तर दूंगा। जब व्यास ने इस प्रकार से कहने को स्वीकार किया तो परीक्षित, जो एक टक सुन रहे थे, वह अत्यंत मोहित होकर बोले, स्वामी, मैं स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं देखता कि क्यों पितामह ने खांडव वन को अग्निकांड से समाप्त किया। मुझे बताइए कि श्री कृष्ण ने उन्हें इसमें कैसे सहयोग दिया। इस घटना को कहकर मुझे आनंदित करिए। यह कहकर परीक्षित ऋषि के पैरों पर गिर पड़े कि वह उन्हें यह बता दें। व्यास ने कहा, ठीक है, तुमने अच्छा प्रश्न किया है, मैं अवश्य बताऊंगा। उन्होंने शुरू किया। एक बार जब कृष्ण और अर्जुन प्रसन्नता के साथ यमुना के किनारे लेटे थे और दुनिया की चिंता उन्हें ना थी, तो एक वृद्ध ब्राह्मण उनके समक्ष आया और बोला, पुत्र, मैं अत्यंत भूखा हूं और कुछ दे कर मेरी क्षुधा शांत करो। मैं जीवित नहीं रह सकता यदि तुम मुझे कुछ नहीं दोगे। इसे सुनकर उन्हें किसी के अचानक आगमन की अनुभूति हुई। यद्यपि वाह्य रूप से वह साधारण व्यक्ति प्रतीत हुआ, पर उसमें दैविक उज्जवलता इतनी थी कि वह असाधारण थी। इसी समय कृष्ण बोले, महान ब्राह्मण, तुम साधारण मनुष्य तो प्रतीत नहीं होते। मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें साधारण भोजन तृप्त नहीं करेगा। तुम्हें जिस भोजन की आवश्यकता है वह मुझसे कहो, मैं अवश्य दूंगा। अर्जुन दूर से इस वार्तालाप को सुनकर अवाक रह गया, क्योंकि कृष्ण, जो संपूर्ण विश्व के प्राणियों की क्षुधा को मिटा रहे हैं, वह इस ब्राह्मण से पूछ रहे हैं कि कौन सा भोजन उन्हें तृप्त करेगा। कृष्ण इतने शांत भाव से और ध्यान के साथ उनसे पूछ रहे थे कि अर्जुन अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए।
वह ब्राह्मण एकदम जोरों से हंस उठा और बोला, भगवन, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? इस विश्व में नहीं, इन 14 भवनों में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते। मैं प्राण हूं, आपके निर्माण में एक प्रमुख अंग। मैं अग्नि हूं। मैं अत्यंत दुखी हो सूचित करता हूं कि मैं भी अस्वस्थ हूं। इसे ठीक करने के लिए मुझे खांडव वन का अवशेष चाहिए। उस वन को अवश्य ही जलाना चाहिए, केवल इसी प्रकार मेरी भूख शांत हो सकती है। इस पर कृष्ण ने कहा, ठीक है, समाप्त करो। क्यों केवल इसके लिए मेरे पास आए हो? यह अत्यंत आश्चर्यजनक है, क्योंकि तुम तो संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म में परिणत कर सकते हो। तुम्हें किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ने जब इस प्रकार यह पूछा कि मानो वह कुछ नहीं जानते, तो अग्नि ने कहा, भगवन, आप सब जानते हैं। क्या तक्षक, वह भयानक सर्प, अपने परिवार वर्ग के साथ इस वन में नहीं रहता? इंद्र, जो वर्षा के देव हैं, उसके सुहृद हैं, अतः उन्होंने वन को अग्नि से बचाने के लिए स्वयं भार लिया है। उन्होंने तक्षक को वचन दिया है कि वे वन की रक्षा करेंगे, वह साथ ही उसकी भी। अतः जैसे ही मैं वन को अग्नि से समाप्त करना चाहूंगा, तो इंद्र वर्षा के रूप में वन के स्थान को गीला कर देंगे। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अतः आपके सहारे के लिए आया हूं। उसके भय को देखकर कृष्ण को हंसी आई। उन्होंने कहा, यदि ऐसा है तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम कहो हमें क्या करना चाहिए और हम तैयार हैं। अग्निदेव को संतोष मिला। उन्होंने कहा, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं, मैं तो बच गया। आप चाहें तो सब कर सकते हैं। यदि इंद्र की वर्षा के बाणों को छत बनाकर रोक सकते हैं, जिससे कि वन भी ढक जाएगा और वन को समाप्त करने में मुझे भी सरलता होगी। कृष्ण ने ढाढ़स दिया कि उनकी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारे पिता मह ने अग्निदेव को इस प्रकार कहा, तुम बिना हिचक के वन को भस्म कर सकते हो। मेरे वाणों की इतनी शक्ति है कि वह न केवल इंद्र वरन लाखों इंद्रों को पीछे हटा सकते हैं, परंतु मेरे पास इसके उपयुक्त इतने वाण व रथ नहीं हैं जो इतना बोझ उठा सकें। यदि ये सब मिल पाए तो तुम्हारा कार्य हम करेंगे और यह कृष्ण की आज्ञा के अनुसार होगा।